पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गैरी के इलेक्टिवार को मिस्टीरियस पोकेमोन से बचाने के लिए वहां पर ब्रॉक आ जाता है अपने स्टीलिक्स के साथ। फिर बाद में ऐश भी अपने पिकाचू के साथ उस फाइट को ज्वाइन करता है और सब मिलकर एक साथ मिस्टीरियस पोकेमोन को डिफीट कर देते हैं। इसके बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो मिस्टीरियस पोकेमोन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, बट किसी के पास भी मिस्टीरियस पोकेमोन नहीं था पार्टिसिपेट करने के लिए। तभी ऐश को याद आता है कि उसने बिल के लाइट हाउस के पास एक जायंट ड्रैगनाइट देखा था जिसको कैच करके वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आगे ऐश बिल से मिलता है, पर तभी बिल के लाइट हाउस में कॉल आता है। बिल जाकर उस कॉल को उठाता है एंड उसको पता चलता है कि वो कॉल किसी और का नहीं, प्रोफेसर ओक का है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि बिल क्या वहाँ पर ऐश है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। बिल बोलता है कि हाँ प्रोफेसर ओक यहाँ पर ऐश है, और ऐश पीसी के सामने जाकर बैठ जाता है। वो बोलते हैं कि ऐश ऑफिसर जेनी ने मुझे बताया है कि तुम मिस्टीरियस पोकेमोन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो और इसीलिए तुम बिल के लाइट हाउस पर आए हो जायंट ड्रैगनाइट कैच करने। ऐश बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ। प्रोफेसर ओक काफी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐश अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें जल्दी से पार्टी रीजन जाना होगा। सिर्फ 30 डेज बचे हुए, अगर इन दिनों के अंदर तुम पार्टी रीजन के सारे टास्क कंप्लीट करके वहाँ पर नहीं पहुँचते हो तो तुम वहाँ के चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और वह टाइटल तुम्हें नहीं मिल पाएगा। तुम्हें जल्दी करना होगा और पार्टिया में एंट्री करनी होगी, इसके बाद तुम कोई भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट अभी के लिए तुम्हारा और गैरी का सबसे पहला गोल पार्टिया में एंटर करना होना चाहिए, तो वहाँ पर तुम्हें जाना होगा। ये कहकर प्रोफेसर ओक कॉल कट कर देते हैं और ऐश और गैरी दोनों ही बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उनको इस टाइम लिमिट के बारे में नहीं पता था। ऐश बोलता है तो क्या गैरी, हमें अभी भी जायंट ड्रैगनाइट को कैच करना चाहिए। गैरी बोलता है कि ऐश तुम ये क्या बातें कर रहे हो, हमें कुछ ही दिन के अंदर पार्टिया में एंटर करना है और उसके बाद हमें कुछ टास्क भी कम्प्लीट करने होंगे जैसा कि हमें प्रोफेसर ओक ने बताया, तो हमारे पास अभी कोई भी टाइम नहीं है, हमें जल्दी से पार्टिया के लिए निकलना होगा। ऐश बोलता है कि ऐश गैरी और ब्रॉक तीनों ही बिल्कुल गुड बाय बोलते हैं और पार्टिया की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश अगर हम पार्टिया टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो हमारे लिए ये काफी बुरा हो सकता है और मुझे ये भी नहीं पता कि पार्टिया कहाँ पर है। गैरी और ऐश को भी नहीं पता होता है कि पार्टिया कहाँ पर आएगा। ऐश बोलता है मेरे पास एक आइडिया, क्यों ना हम ओल्ड मैन को कॉल करें जिससे हम पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप में मिले थे। मेरे पोकेमोन मास्टर बनने के बाद वो नॉर्डन से बाहर भी आ गया होगा, वो हमें हेल्प कर सकता है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ऐश ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसके बाद ऐश उस ओल्ड मैन को कॉल लगाता है। ओल्ड मैन कुछ ही टाइम में उस कॉल को उठा लेता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है ऐश के कॉल को देखकर। वो बोलता है कि ऐश क्या तुम अभी भी नॉर्डन में ट्रैवल कर रहे हो, क्या तुम पोकेमोन मास्टर बन गए हो। मैं पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप में हारने के बाद नॉर्डन में फंस गया था, बट लकीली मुझे बाहर जाने दिया गया और अब मैं फाइनली पार्टिया में आ चुका हूँ। मैं वापस नॉर्डन में नहीं जाने वाला हूँ और आई होप तुम भी नॉर्डन से बाहर आ जाओ। इस पर ऐश और ब्रॉक हंसते हैं और ऐश बोलता है कि वेल मैं अब पोकेमोन मास्टर बन चुका हूँ नॉर्डन के पोकेमोन मास्टर को डिफीट करके, और पोकेमोन मास्टर बनने के बाद मैंने एक विश की थी कि जितने भी लोग नॉर्डन में फंसे हुए हैं उनको छोड़ दिया जाए जो कि दूसरे रीजन से आई है। इसी के बाद मेरी विश कंप्लीट की जाती है और वहाँ पर जितने भी लोग फंसे हुए थे वो अपने रीजन में वापस आ चुके हैं और मैं अभी कैंट रीजन में हूँ। ओल्ड मैन ये सुनकर पूरी तरह से शॉक रह जाता है कि ऐश पोकेमोन मास्टर बन चुका है। उसको बिलीव नहीं होता है और वो बोलता है कि ऐश मजाक मत करो, मुझे पता है कि तुम पोकेमोन मास्टर नहीं बने हो। ऐश बोलता है मैं सच में पोकेमोन मास्टर बन चुका हूँ और असली पोकेमोन मास्टर कोई और नहीं बल्कि मेरे डैड ही थे, जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल था। ओल्ड मैन ऐश की न्यू आउटफिट भी नोटिस करता है जिससे उसको बिलीव हो जाता है कि ऐश कैंटो में आ चुका है और वो बोलता है कि ऐश अगर तुम पोकेमोन मास्टर बन चुके हो तो मैं तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। ये तो एक ड्रीम के तरह है कि एक पोकेमोन मास्टर मेरा दोस्त है और उसने मेरे साथ ट्रैवल भी किया है, मैंने उसकी आधी जर्नी देखी हुई है। ऐश थैंक यू बोलता है और बोलता है कि ओल्ड मैन फिलहाल के लिए हमें तुमसे एक हेल्प चाहिए। मुझे याद है कि तुमने बताया था कि तुम पार्टिया से बिलोंग करते हो और तुम्हारे पोकेमोन टीम में सारे के सारे पार्टिया पोकेमोन थे और उनके दम पर ही तुम इतने ज्यादा आगे आ गए थे। पोकेमोन मास्टर बनने के बाद मुझे कोई और बड़ा टाइटल अचीव करना है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब पार्टिया चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। पर दिक्कत यह है कि हमें रास्ता नहीं पता है कि पार्टिया रीजन कैसे एंटर किया जाए। ओल्ड मैन बोलता है कि यह तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, इससे हम वापस मिल भी जाएंगे, मैं तुम्हें पार्टिया में पहुंचा सकता हूं, बट उसके लिए तुम्हें गलार रीजन में पहुंचना होगा। ऐश बोलता है बिल्कुल हम गलार पहुंच सकते हैं। ऐश और गैरी अपने अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमोन्स को बाहर निकालते हैं। ऐश बोलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है गलार रीजन, हमें वहां पर पहुंचना है और ओल्ड मैन से मिलना है। ऐश और ब्रॉक चार्जर्ड पे बैठते हैं, वहीं पर गैरी अपने पिजॉट पर बैठता है और गलार रीजन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कैंटो से गलार रीजन बहुत ही ज्यादा दूर था इसलिए उनको काफी लंबा ट्रैवल करना था। काफी टाइम हो जाता है ट्रैवल करने के बीच में ऐश को वापस से ओल्ड मैन का कॉल आता है। ओल्ड मैन बोलता है कि ऐश मैं विंडन स्टेडियम पहुंच चुका हूँ, तुम भी गलार रीजन के विंडन स्टेडियम में आ जाओ, मैं वहाँ पर तुमको पिकअप कर लूंगा। ऐश बोलता है फिलहाल के लिए हम कैलोस रीजन में है और गलार पहुंचने वाले हैं, वहाँ पर मैं तुमसे मिलता हूँ। लगभग आधे घंटे बाद ऐश और उसके फ्रेंड दोनों ही गलार रीजन के विंडन स्टेडियम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको फाइनली ओल्ड मैन देखने को मिलता है। ओल्ड मैन ऐश को सबसे पहले गले लगाता है और कॉन्ग्रेट्स बोलता है।
वो बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है पोकेमॉन मास्टर से बड़ा टाइटल पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आखिर तुम पार्डिया में ट्रैवल क्यों करना चाहते हो? ऐश बोलता है कि मुझे अपनी जर्नी अधूरी लग रही थी और सारे रीजन में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन रीजन में ट्रैवल नहीं किया है और वो है पार्डिया रीजन। तो मैंने सोचा कि हम वहाँ पर ट्रैवल कर लेते हैं। प्रोफेसर ओक ने हमें यह भी बताया है कि वहाँ की चैंपियनशिप अगर हम जीत जाते हैं तो आगे हमें एक सीक्रेट वर्ल्ड भी देखने को मिलेगा जहाँ पर पोकेमॉन मास्टर से भी ज्यादा बड़ा टाइटल एग्जिस्ट करता है। ओल्ड मैन पूरी तरह से शॉक रह जाता है। वो सोचता है कि प्रोफेसर ओक को इसके बारे में कैसे पता चला, जबकि इस चीज को सिर्फ और सिर्फ पार्डिया के लोग जानते हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि ऐश मैंने पार्डिया चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था और जैसा कि मैंने बता रखा है मैं एक टाइम पे पार्डिया का चैंपियन भी था। ऐश बोलता है कि हाँ मुझे याद है। ओल्ड मैन बोलता है कि पार्डिया चैंपियनशिप का लेवल बाकी सारे रीजन से ऊपर है। मैं जब पार्डिया चैंपियनशिप जीतता हूँ तब मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर और भी ज्यादा बड़ी लीग एग्जिस्ट करती है, पर जीतने के बाद मुझे उस लीग के बारे में बताया जाता है जिसको सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। और फाइनली मुझे लगता है कि मैं काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर मिलने वाला हूँ, साथ में मुझे काफी रेस्पेक्ट भी मिलेगी। पर आगे जाकर मेरी ड्रीम पूरी तरह से टूट जाती है। मैं क्वालिफाई भी नहीं कर पाता हूँ सीक्रेट चैंपियनशिप के लिए, जो कि मेरे लिए पूरी तरह से हार्ट ब्रेकिंग था। और अगर वहाँ पर कोई क्वालिफाई करने के लिए फेल हो जाता है तो वहाँ पर उसको पार्टिसिपेट करने का दोबारा कभी भी मौका नहीं मिलता है। ऐश बोलता है तुम्हारी स्टोरी सुनकर दुख हुआ। ओल्ड मैन बोलता है कि बट इसके बाद मैं हार नहीं मानता हूँ और फिर मुझे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के बारे में पता चलता है। हालांकि मैं वहां पर भी फेल हो गया, बट अब तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो पार्डिया चैंपियनशिप में और अपनी ड्रीम पूरी कर सकते हो। ऐश बोलता है कि हाँ मैं अपनी ड्रीम पूरी कर रहूंगा, अब हमें पार्डिया रीजन चलना चाहिए। ओल्ड मैन बोलता है बिल्कुल मुझे फॉलो करते रहो। सभी लोग ओल्ड मैन को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं और वो उनको एक केव के पास लेकर आ जाता है। ओल्ड मैन बोलता है कि जिस तरह से हम गलार के एक केव को यूज करके नॉर्डन रीजन में जा सकते थे उसी तरह से हम इस केव को यूज करके पार्डिया में जा सकते हैं। ऐश बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं पार्डिया में जाने के लिए। उस केव को यूज करके वो लोग पार्डिया में पहुंच जाते हैं और उनको एक काफी यूनिक रीजन देखने को मिलता है। इतना ज्यादा कोई भी रीजन ब्यूटीफुल नहीं था। एंटर करते उनको गार्ड मिल जाता है, ओल्ड मैन को जाने देता है, बट ऐश गैरी और ब्रॉक को रोक लेता है। ओल्ड मैन बोलता है कि मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि दूसरे रीजन से आए हैं। गार्ड बोलते हैं तुम रुक जाओ, हमें इनकी क्वालिफिकेशन देखनी होगी। अगर ये स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर से तभी पार्डिया में आ सकते हैं, वरना हमें इनकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले गार्ड ऐश को चेक करते हैं। ऐश बोलता है कि मैं पोकेमॉन मास्टर हूँ, साथ में वर्ल्ड चैंपियन भी हूँ और मैं अलोला का चैंपियन भी हूँ। सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं क्योंकि पार्डिया में कुछ ही ऐसे ट्रेनर्स एग्जिस्ट करते थे जो कि इतने स्ट्रॉन्ग हो। वो कुछ भी नहीं सोचते हैं और ऐश को एंट्री दे देते हैं।